देखिए, नगर निकाय का चुनाव आते ही कुछ लोग बरसाती मेंढक की तरफ पनप गए हैं। हालांकि जनता ये चीज को देख रही है, जनता मूर्ख नहीं है। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई होशियार होती है तो लोकतंत्र में जनता होती है। खेल का मैदान की लड़ाई लड़ूंगा, सेल्फी पॉइंट के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, एम्बुलेंस के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, और जनता की कोई भी समस्या होगा उनको डट के मैं लड़ूंगा। और इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ूंगा। अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर हर तरह जो है एक चर्चा चल रही है। खासतौर से जो है चर्चा जिस तरह से सरकार ने एक हरी झंडी दिखा दी है कि ये नगर निकाय चुनाव जल्द कराया जाए, इसको लेकर सभी लोग अपने वार्ड में जो है जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। इसी बीच हमारे सामने एक सभासद के जो है जो सामने उम्मीदवार है जो खासतौर से वार्ड नंबर 7 से आते हैं, नौशाद अहमद है, इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये इस वार्ड नंबर 7 के लिए क्या एक मुद्दा, क्या उद्देश्य है जिसको लेकर इस चुनावी रण में सामने है। सबसे पहले आपका भी न्यूज इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नाम नौशाद आयान है और मैं कांग्रेस पार्टी का जिला प्रवक्ता हूं और नगर अध्यक्ष हूं अल्पसंख्यक का। वार्ड नंबर 7 में आप जो सभासद के जो है उम्मीदवार अभी हाल ही में जो है एक तैयारियों के साथ, क्या एक मकसद है आने का? देखिए, तैयारी तो मैं पिछले कम से कम 4-5 वर्षों से कर रहा हूँ, ये कोई मेरी नई तैयारी नहीं है। और मैं जनता के हक हुकूक की लड़ाई जो है मैं दिन प्रतिदिन रोज़ाना लड़ता हूँ। मेरे अंदर एक सेवा की भावना है। वोट की राजनीति अपनी जगह है, वोट की राजनीति अपनी जगह। मैं ये भी किसी से नहीं कहूँ कि हमको आप वोट दीजिएगा, वोट की अपील तो हमको बाद में करना है। फिलहाल जनता की जो लड़ाई है मैं अनवरत जारी रखा हूँ, और जनता की कोई भी समस्या हो, मैं हमेशा से इस बात को कहता आ रहा हूँ कि जनता की कोई भी समस्या हो, चाहे वार्ड नंबर 7 की समस्या हो, चाहे वार्ड नंबर 8 की समस्या हो, चाहे 1 की हो, चाहे 2 की हो, चाहे कहीं की भी समस्या हो, हम हर समस्याओं पर मेरी बारीकी नज़र रहती है और मैं उस समस्याओं के निराकरण के लिए अथक प्रयास करता हूँ और उसमें मुझे सफलता भी मिलती है। चाहे उसके लिए मुझको SDM साहब से बात करना हो, EO साहब से बात करना हो, चाहे किसी भी अधिकारी से बात करना हो, मैं अधिकारियों से वार्ता करके जनता के हर समस्याओं का निदान कराता हूँ। और यही कारण है कि पूरे बहादुरगंज की जनता हमको चाहती है। क्या लगता है कि नगर निकाय चुनाव नजदीक आए, इसको देखकर तैयारियां है या फिर इससे पहले से तैयारियां में है? देखिए, नगर निकाय का चुनाव आते ही कुछ लोग बरसाती मेंढक की तरफ पनप गए हैं। हालांकि जनता ये चीज को देख रही है, जनता मूर्ख नहीं है। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई होशियार होती है तो लोकतंत्र में जनता होती है। तो जनता यहाँ की मूर्ख नहीं है, जनता बाखूबी से देख रही है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन बरसाती मेंढक की तरह तुरंत चुनाव आते ही आ गया है, या कौन कई दिनों से मेहनत कर रहा है। देखिए, जनता अब चाहती है कि चुनाव मुद्दों पर हो, और जनता ये भी चाहती है कि हमको न जातिवाद की राजनीति करनी है, न जातिवाद को हावी करना है, और न ही हमको ऐसे लोगों को हावी करना है जो कुछ जानता ही ना हो। जो व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है, जो व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं है, न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है, उसको आप नगर कार्यालय में बैठा देंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। तो क्या लगता है कि मुद्दों की अगर बात कर रहे हैं तो आप जिस तरह से ये चुनाव में अपना एक जो है कदम रखे हैं, तो क्या मुद्दों को लेकर, क्या चीज को देखने के बाद लगा कि हम जनता के बीच में सेवा करने का? देखिए, पिछले यहाँ पे देखिए एक ही व्यक्ति की 20 साल से सत्ता पे काबिज, एक ही व्यक्ति 20 साल की सत्ता पर काबिज है, और उसने नगर पंचायत की हर एक जनता के साथ प्रताड़ित किया है, हर एक जनता को जो है कि दबाने का प्रयास किया है, हर जनता उनसे परेशान है। वो व्यक्ति जब सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गया तो उसके अंदर एक अहंकार आ गया। उस अहंकार के तहत जनता के एक एक व्यक्ति को किस तरीके से उनको सताया जाएगा, वो व्यक्ति ये बात को जानता है और हर लोगों के साथ अत्याचार करता है। उस अत्याचार को देखते हुए जनता के साथ जब अत्याचार होने लगा, जनता को जब प्रताड़ित करने लगा वो व्यक्ति, और जनता की कोई भी समस्याओं का निराकरण नहीं होता था, तो मुझे अपने आप में एक सोच हुआ, एक विचार आया दिल में कि क्यों ना मैं जनता की लड़ाई लड़ूं और विपक्ष की राजनीति करूं। तो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? हमारे देखिए हमेशा मैं मुद्दों की राजनीति किया हूं, और मुद्दे यहां पे बहुत अनेकों मुद्दे हैं। यहां पे देख लीजिए, पूरे कस्बे में इतना बड़ा कस्बा है, 20 साल से एक ही व्यक्ति है, और आज तक इस कस्बे को एक भी एम्बुलेंस नहीं दिला सका। जो व्यक्ति देखिए, अब कोरोना काल में लोग कितना ग्रस्त थे बीमारी से, लोग परेशान थे, किसी का डिलीवरी का मामला था, किसी का अन्य मामला था, लोग कोरोना काल में परेशान थे, लेकिन यहाँ पर एक भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से नहीं है। नगर पंचायत की तरफ से इन युवाओं को देख लीजिए, इतने सारे युवा खड़े हैं, इन युवाओं के लिए एक भी खेल का मैदान नहीं है, इनके लिए कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है, इन बुजुर्गों के लिए पेंशन जो है पेंशन की व्यवस्था नहीं मिलती है, विधवाओं को जो है कि इन्हें पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा लोगों की पेंशन नहीं मिलता है। इन सारे युवाओं के साथ छल करने का काम किया है, और निश्चित रूप से मैं आने के बाद इन युवाओं के लिए खेल का मैदान के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, सेल्फी पॉइंट के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, एम्बुलेंस के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, और जनता की कोई भी समस्या होगा उनको डट के मैं लड़ूंगा। और इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ूंगा। जनता की लड़ाई के लिए ऐसा आपको जो है सपोर्ट की अगर जरूरत है तो क्या
आपके वार्ड नंबर से बाकी और भी जो पड़ोसी हैं उनसे सपोर्ट की क्या कुछ उम्मीद है या मिल रहा है? हमको देखिए पूरे बहादुरगंज के जनता का सहयोग और साथ मिल रहा है। देखिए मैं चुनाव तो तैयारी वार्ड नंबर 2 से कर रहा था, ये हकीकत है, लेकिन वार्ड नंबर 2 से मैं जब चुनाव की तैयारी कर रहा था और एक सुर में पूरी जनता मुझे वोट देने के लिए तैयार थी, तो यहाँ के जो सत्ता पे काबिज व्यक्ति है वो मेरे सीट को अनुसूचित करा दिया ताकि ये नगर कार्यालय में न पहुंच सके। माना जाए कि आपसे डर गए? बिल्कुल डर गए, ये लोग ये डरते ही है, इनको डरना। और जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी होगा वो हमेशा आपसे डरेगा। तो कैसे आप मानते हैं कि वो आपको देखते हुए इस सीट को अनुसूचित से जो है मतलब चेंजिंग करा दी? हाँ, उनको ये घबराहट हो गई कि ये व्यक्ति अगर नगर कार्यालय में चला जाएगा तो वो हमारे सारे क्रियाकलापों को जान जाएगा, क्या वो व्यक्ति करता है क्या नहीं करता है, कितना घूस करता है, कितना भ्रष्टाचारी करता है, किसमें कमीशनखोरी करता है। इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं जो है कि कमीशन लेता हूँ, इन्होंने कहा है कि मैं कमीशन लेता हूं। तो वो व्यक्ति मैं चला जाऊंगा नगर कार्यालय में तो इनके सारे चीजों को मैं देख लूंगा, जान जाऊंगा और आकर जनता को मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस वजह से वो व्यक्ति चाहे कि इसके सीट को सुरक्षित करा दिया जाए ताकि ये चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन यहां की जनता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप वार्ड में किसी भी बहादुर के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। लोग तो मुझको जो है कि मारने पीटने की भी धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये नौशाद यान डरने वालों में से नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं डरूंगा नहीं, उसके लिए मुझको जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं, ये मैं निश्चित रूप से इस बात को कह रहा हूं। अब मैं उनसे ये भी कहा हूं कि अगर आपके पास साहस है तो गुलाब चंद्र के चबूतरे पर मंच लगा लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपने 20 सालों में क्या किया है और क्या नहीं किया है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये मत समझना कि डराने से डर जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं उनसे कि ये मत समझना कि डराने से डर जाएंगे और अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम से डराते हो मुझे, अरे जिस दिन मौत आएगी मर जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया है और निश्चित रूप से मैं जीत का नगर कार्यालय में जाऊंगा और जनता के लड़ाई पार्टी से जो आपसे कोई देखिए यहाँ पे देखिए उम्र मायने नहीं रखती, मानते हैं कि शायद ये क्या करेंगे नहीं, यहाँ पे काम मायने रखता, कौन व्यक्ति क्या काम करा सकता है ये मायने रखता, जनता को काम चाहिए, जनता को उम्र से मतलब नहीं। एकदम धार के हम लोग रहे, बदलाव की इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कह रहे हैं और कोई बहुत कुछ भरोसा दिला रहे हैं, काफी अच्छी बात कही इन्होंने, हम इनके सपोर्ट करेंगे और हमेशा करेंगे। सही है, सपोर्ट है, गजब, ये सभी लोग सपोर्ट के लिए है। ये जहाँ तक आज सभी लोग मुद्दों की बात करते हैं, कुछ लोग मुद्दों से मकर जाते हैं, यहाँ तक ये साबित होता है कि झंठा जो देखा जाता है कि कोई एक अपना जो है एक उम्मीद जताती है जनता की, कहीं ना कहीं हम इस व्यक्ति के ऊपर जो है भरोसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक विकास की जो है धारा अग्रसर होगी, लेकिन उन्हीं मुद्दों से भटकता हुआ जो व्यक्ति जो चेहरा सामने आता है वही जनता उनके सामने जो है कहीं ना कहीं एक निराशाजनक अपने आप को साबित करती है। खासतौर से जो है इनके साथ जिस तरह से ये सभी जनता एक साथ चलने को तैयार है, उतारू है, कहीं ना कहीं ऐसे नवयुवक ऐसे जो है उम्मीदवारों के साथ जो एक देखा जाए मन में और जो इनका एक उम्मीद है कि हमें इस जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, उसको देखते हुए सभी लोग जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग जुड़ रहे हैं, लोग साथ भी देंगे, चुनाव अपनी जगह है, वोट अपनी जगह है, चुनाव में हार जाऊंगा तो भी जनता के साथ जैसे लड़ाई लड़ रहा हूँ वैसे लड़ता रहूंगा। जो भी इन लोग की समस्या होगी उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहे। जी मैं इस वक्त तैयार हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझको चुनाव जिता लीजिए उसके बाद काम लीजिए, मैं तो ये लोगों से कह रहा हूँ कि चुनाव तो बाद में जीतूंगा या हारूंगा, पहले मुझसे आप काम लीजिए। यानी कि चुनाव से पहले से ही आप लगे हैं। बहुत बड़ी समस्या थी जी, काम करते भी है, चुनाव के पहले भी ये काम करते हैं, ये काम पहले से आज कुछ 6 महीना साल भर से ये काम करते हैं। आप चुनाव से कितने दिन पहले से लगे हैं? नहीं, मैं हमेशा से लगा रहा हूँ, जल्दी का एक मामला यहाँ कहता है, यही चौराहे पर देखिए सार्वजनिक है, यहाँ पे खुद लोगों से पूछ लीजिए, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी, कूड़े की लोग इकट्ठा करते थे कर्मचारी यहाँ पर नगर के यहीं पर बगल जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब हटाने वाला नहीं था, पूरा बदबू रहती थी, लेकिन मैंने उसको लड़ाई लड़ते हुए इसी चौराहे पर जो है कि उस कूड़े को हटवाने का प्रयास किया है और जनता के सहयोग से किया, जनता का साथ मिला, जनता का सहयोग मिला और मैंने उस कूड़े को हटवा दिया, तो मैं काम किया हूँ। यानी कि जब भी कोई जनता के बीच में उस तरह से बातें आती है आप जनता के साथ हमेशा तत्पर? जी जी बिल्कुल तत्पर हूँ, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जनता से फिर कह रहा हूँ, वोट अपनी जगह है, आपको समझ में आएगा तो हमको वोट दीजिएगा या ना दीजिएगा, लेकिन काम हमसे आप हमेशा लीजिएगा, चाहे चुनाव हार जाऊँ चाहे जीत जाऊँ, काम आप हमेशा हमसे लीजिएगा। क्या लगता है? एकदम नंबर 1 लड़का।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे इसको कुपोषण नहीं है, अयान जो है नया हो चुका है। नया हो चुका है, नया हो चुका है। चारे चारे तरफ क्या लगता है कि जो है नई विकास की धारा ऐसे जो है उम्मीदवारों से जग सकती है? ये राहुल गांधी के लिए जो है जो पार्टी आया है, ये राहुल गांधी के हम लोग साथ हो गए हैं। जितना बार राहुल गांधी ने काम किया है अडानी और अरबों खरबों रुपया लूट करके, उसका साथ जो दिया तो हम लोग भी उसके साथ हैं, अयान के साथ साथ हैं। आपके साथ इतने सभी लोग बोल रहे हैं साथ जी जी, सारे लोगों का जनता का ये माना जाए कि कामों को लेकर सब लोग ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सारी जनता हमारे साथ है। और क्या एक अपील, क्या एक जो है संदेश देना चाहेंगे? जो मैं जनता को यही अपील से जनता को मैं करना चाहता हूं कि देखिए आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ सके। वोट की एक कीमत होती है, वोट की एक कीमत होती है, कहीं ऐसा ना हो वोट देने के पास बात जो है कि आपको पछतावा हो। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा, आप अपने लोकतंत्र का, मैं लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ही को वोट दीजिएगा, लेकिन मैं ये जनता से संबोधन में आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा जो एक जो है कि आपका अप्लीकेशन लिखने के योग्य हो। अप्लीकेशन लिख सकता हो, टाउनरिया में बात कर सकता हो, अधिकारी से बात कर सकता हो, प्रशासन से बात कर सकता हो। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद बहादुरगंज नहीं वार्ड नंबर सात की जनता के साथ अगर प्रशासन भी अगर प्रताड़ित करेगा तो कदम से कदम मिलाकर यह नौशाद ध्यान खड़ा होगा। किसी भी प्रशासन और पुलिस के व्यक्ति को आपके खिलाफ गलत तरीके से न मुकदमा होने देंगे और न गलत तरीके से आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। इसके लिए मैं हमेशा लड़ाई तो लड़ता रहूंगा, प्रशासन की भी नहीं है कि आपके साथ गलत कर दे। इतनी जानकारी के साथ नमस्कार।